हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ जिसकी बात मैं पिछले काफ़ी टाइम से करता आ रहा हूँ और उस शेयर से रिलेटेड बहुत टाइम से आपको बताता आ रहा हूँ। 4100 के आसपास, 4300 के आसपास शेयर था, तब भी बताया था। आज के डेट में 5000 है, फिर बता रहा हूँ ओके। और वो शेयर 10,000 जाने की पूरी काबिलियत रखता है, इस बात को समझिए ओके। और उसमें स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दैट काइंड ऑफ स्टॉक जो आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है ओके। अभी से सोचोगे, अभी से उसमें इन्वेस्ट करोगे, बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी इन्वेस्ट है। FIIs की बात करें, FIIs अपनी होल्डिंग कंटिन्यूसली उसमें बढ़ा रहा है ओके। और उसका बिजनेस अभी तक इंडिया में था, अब अराउंड द वर्ल्ड होने की वो कोशिश कर रहा है। तो मतलब अगर बात करें, जो उसकी सब्सिडरी है एक तरीके से बात की जाए, तो वो अराउंड द वर्ल्ड जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब बाहर भी लिस्ट हो सकता है, इस तरीके की न्यूज़ भी आ रही है। तो कंपनी लिस्ट हो रही है और उसका फ़ायदा एक पर्टिकुलर शेयर को होता हुआ नजर आएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, जो आपका खुद का चैनल है, और दूसरे लोगों के साथ को भी इससे कनेक्ट कराइए ताकि इस तरीके की बेहतरीन न्यूज़ और शेयर बाजार में अपडेट मिलते रहे। और अभी एक वीडियो डाला है, आप देख सकते हैं, आई डोंट गो एवरी पार्टी इन द टाउन, ये राकेश झुनझुनवाला का कोट है। तो पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड बातें करी है, उसमें ये कोट फिट बैठता है, तो उससे रिलेटेड बातें हैं। बाकी कल की डेट में भी यहाँ पर 3-4 वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो और नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक मिलेंगे, अगर आपका ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट है यहाँ क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन कराएं। और यहाँ पर श्री राम जी के अयोध्या में मंदिर बन रहा है, यहाँ क्लिक करें, इनकी वेबसाइट पर ले जाएगा, अपनी इच्छा अनुसार जो दान देना चाहते हैं दान दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले बात बताना चाहता हूँ पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड जो फ़ायदा होने वाला है कि जो, तो देखिए यहाँ पर एक न्यूज़ है जो कि आज के दिन में मॉर्निंग में 10:30 बजे के आसपास आती हुई हमें दिखी है। और क्या न्यूज़ है, तो न्यूज़ है जोमेटो फाइल्स फॉर 1.11 बिलियन IPO एज फूड डिलीवरी सर्विस इन पैंडमिक टाइम्स। तो मतलब जोमेटो ने अपनी DRHA फाइल कर दिया है और फाइल कहाँ पर, सेबी को दे दी है, वैल्यूएशन सबको निकल चुकी है और लगभग 1.11 बिलियन डॉलर का यहाँ पर IPO आ सकता है। लगभग 8500 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पर IPO आता हुआ हमें दिखाई देगा। और इसका फ़ायदा किसे होगा, इसका फ़ायदा होगा नौकरी, अगर बात करें यहाँ पर इन्फो एज को कैसे फ़ायदा होगा, तो यहाँ पर देखिए वीडियो छोड़ के अभी बिल्कुल भी मत जाइएगा, पहले न्यूज़ देख लीजिए ओके। देखिए, इन्फो एज लिमिटेड इज़ द ओनली सेलिंग शेयर होल्डर इन द IPO, मतलब IPO में वो अपने OFS के थ्रू 750 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर आप देख सकते हैं, 750 करोड़ रुपीस का यहाँ पर अपनी जो 100% की होल्डिंग है, मतलब उसका जो 100% के शेयर है, अगर बात करें जितने शेयर है उसका 10% वो अपना बेच रहा है ओके, OFS के थ्रू बेचेगा, जिसकी कीमत है 750। उसके बाद भी अगर बात करें एट जोमेटोज मोस्ट रिसेंट वैल्यूएशन, इन्फोएज विल स्टे इन्वेस्टेड विद स्टेक वैल्यू एट हाई एज 6500 करोड़। तो मतलब 6500 करोड़ रुपए के लगभग का स्टेक अभी भी बेचने, मतलब OFS लाने के बाद भी 750 करोड़ रुपए निकालने के बावजूद भी जोमेटो में इसके रहने वाले हैं। तो देखिए, जोमेटो का IPO आने वाला है बहुत जल्दी, IPO SEBI के पास यहाँ पर सारी की सारी रिपोर्ट जा चुकी है ओके। और जैसे ही IPO आएगा तो आपको बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छा यहाँ पर रिस्पॉन्स मिलता हुआ नज़र आएगा, ये ऑब्वियस सी बात है। और मुझे जो लगता है ओके, इसका जो फ़ायदा होगा लॉन्ग टर्म में केवल एक ही शेयर को होने वाला है, और लॉन्ग टर्म में क्या, शॉर्ट टर्म में भी इसका एक शेयर को होने वाला है नौकरी, इन्फोएस को फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, फूड डिलीवरी हैज़ फील्ड ड्राफ्ट रेड, मतलब DRHP यहाँ पर रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस यहाँ पर फॉर द इनिशियल, अगर IPO की बात करें, ऑफ इट्स शेयर्स एनेबल टू क्लोज लुक एट इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर अगर इस लिंक को आप पढ़ेंगे तो इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है, लॉकिंग डाउन प्रॉफिट की बात करी गई है, ड्राइविंग यूनिट इकोनॉमिक्स की बात की गई है, द कॉशन अप्रोच की बात की गई है ओके, किस तरीके से ये बिजनेस कर रहा है उस सब से रिलेटेड यहाँ पर जोमेटो से रिलेटेड बातें की गई है ओके। जब इसके IPO से रिलेटेड और भी बहुत सारी डिटेल्स आती हुई दिखाई देगी तो डेफिनेटली वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर ओके। बट अभी जो मेन इन्फो है वो है
जोमेटो का आईपीओ, और जोमेटो का आईपीओ जब आएगा तो केवल एक ही शेयर को यहाँ पर फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा, इन्फोएज। यहाँ देख सकते हैं न्यूज़, यहाँ पर शेयर ऑलरेडी टॉप पर ही खुला था, यहाँ पर पूरे दिन कंसोलिडेट किया है, लास्ट में थोड़ा बहुत गिरावट होती हुई नज़र आई है, बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये शेयर काफ़ी बेहतरीन शेयर है, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये ऐसे बिजनेस में, मतलब ये स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है कि जो जिनको मतलब फ्यूचर में फ्यूचरिस्टिक्स उसके देख कि हाँ आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद ये कंपनी एक यूनिकॉर्न बन जाएगी। यूनिकॉर्न इन द सेंस अगर बात की जाए तो यूनिकॉर्न का मतलब है 1 बिलियन डॉलर की कंपनी बनती हुई नजर आएगी, और ऐसा ही इसमें बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है। अगर बात की जाए यहाँ पर किस किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं रियल इस्टेट, मतलब बात करें यहाँ पर रेवेन्यू दे रखा है, बट अगर हम और भी कुछ बातें करें यहाँ पर नीचे आया जोमेटो, जोमेटो में 19.3% का स्टेक है, एज वेल एज बात करें पॉलिसी बाजार 15% का स्टेक है। यहाँ पर देख सकते हैं पॉलिसी बाजार का भी यहाँ पर आईपीओ शायद आ सकता है, 3.5 बिलियन डॉलर का यहाँ पर इंश्योरेंस स्टार्टअप है ये कंपनी की, नेटवर्थ इतनी मतलब इतनी वैल्यू है इस कंपनी की, तो इसका भी आईपीओ बहुत जल्दी बाजार में आता हुआ आपको दिखाई देगा। ओके, एज वेल एज बात करें इसका यहाँ पर हैप्पीली अनमैरिड यहाँ पर उस तरह इस कंपनी में लगभग 32.7% के स्टेक है, नो पेपर फॉर्म्स में 48% के स्टेक है, और भी यहाँ पर जीवनसाथी.com, ओके अगर नौकरी.com जो कि इंडिया की नंबर वन साइट है जॉब सीकर्स के लिए, तो उस कंपनी में इसके अच्छे खासे स्टेक्स है। ओके, शिक्षा.com में इसके अच्छे खासे स्टेक है, तो आपको बताना चाहता हूँ ये अच्छी खासी रेवेन्यू तो कर, अभी देखिए थोड़ा बहुत नीचे चल रहा है, बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, अच्छा खासा इसको अगर फ्यूचर के मतलब से आप लेना चाहते हैं ना, तो इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। इसका चार्ट पैटर्न आपके आपको दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। आज की डेट में भी अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो लगभग 26% की डिलीवरीज उठाई गई है, 237,000 केवल एक ही न्यूज़ को देखते हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट्स यहाँ पर दे रखे हैं, इन्होंने यहाँ पर फाइल भी किया है, अगर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तो देखिए यहाँ पर इसके रिलेटेड की 750 करोड़ रुपीज़ का ये यहाँ पर OFS के थ्रू जोमेटो में अपनी हिस्सेदारी बेचते हुए नजर आएंगे, OFS ला रहे हैं। और बात करें यहाँ पर कुछ फंडामेंटल, देखिए लार्ज कैप कंपनी है, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डेट टू इक्विटी की बात करें तो देखिए ना के बराबर इनका डेट है, डेट फ्री कंपनी कह सकते हो, प्लेजिंग कोई नहीं है, और 10 साल की बात करें 30% के 30% से रिटर्न देता हुआ आ रहा है, तो मतलब 10 लाख रुपए लगाते हैं और 30% के रिटर्न मिलते हैं, तो 20 साल में 100 करोड़ रुपए बनते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अगर इससे अलावा और भी देखिए, अगर यहां पर देखते हैं सेल्स में मतलब कंटिन्यूसली अच्छी खासी जंप आई रही थी, मतलब कंसिस्टेंसी थी, बट यहाँ पेंडामिक आया, पेंडामिक में बहुत सारी इनकी मतलब चीज़ें थी, जैसे जोमेटो हो गया, जोमेटो कुछ बीच में डिलीवरीज नहीं जा रही थी, एज वेल एज बात की जाए यहाँ पर पॉलिसी बाजार तो लोग लोन लेने से कतरा रहे थे, एज वेल एज बात करें यहाँ पर प्रॉपर्टीज ज़्यादा नहीं बिक रही थी, बट इनका नौकरी पोर्टल अच्छा खासा चल रहा था, तो एक आध बिजनेस चल रहा था, बाकी यहाँ पर डाउन थे। ओके, इसका इम्पैक्ट यहाँ पर साफ देखा जा सकता है। ओके, बट स्टिल अगर बात की जाए यहाँ पर दिसंबर के क्वार्टर में तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता हुआ, सबसे ज़्यादा हाईली प्रॉफिट मतलब 679 करोड़ का प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया, बट ओवरऑल अगर बात करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट की ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो कंपनी ने पिछले 10 साल से काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पर पेश करे हैं, बट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं लॉस की, तो यहाँ पर मार्च 2020 में यहाँ पर बीच में लॉस होता हुआ दिखाई दिया था, बट अभी की बात करें तो 1220 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि हाईएस्ट एवर है अभी तक, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। रिजर्व्स की बात करें, अच्छे खासे रिजर्व्स है, और बोरिंग की बात करें 69 करोड़ रुपीज़ की बोरिंग है, ना के बराबर बोरिंग है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। बात करें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर कंपनी ने कर रखी है, कैश इक्विवेलेंट की बात करें लगभग 2000 करोड़ का कैश भी है, कैश फ्लो काफ़ी अच्छा है, ROC काफ़ी अच्छा, और जो भी प्रॉफिट दूसरी कंपनी से आता है, जैसे कि अभी OFS आ रहा है 750 करोड़ रुपीज़ का, यहाँ पर OFS के थ्रू बेचेंगे, तो आपको बताना चाहता हूँ 750 करोड़ रुपीज़ ये कहीं ना कहीं यहाँ पर ठिकाने लगा देंगे। ठिकाने लगाने का मतलब है इन द सेंस किसी अच्छी कंपनी पर यहाँ पर दोबारा इन्वेस्ट स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हुए नजर आएंगे, जिसका फायदा इस कंपनी को होता हुआ नजर आएगा। जब इस कंपनी को फायदा होता हुआ नजर आएगा तो ऑब्वियसली बात है इसके शेयर होल्डर हम हैं, हमने इसके शेयर खरीद रखे हैं, तो ये शेयर और भागता हुआ नजर आएगा और हमें फायदा इसका ऑटोमेटिकली होता हुआ नजर आएगा। प्रमोटर्स की बात करें 38% की हिस्सेदारी है, बट अगर यहाँ बात करते हैं FIIs, देखिए FIIs 40% की लगभग की होल्डिंग रखते हैं, DIIs की बात करें तो 11% की होल्डिंग DIIs भी रखते हैं, पब्लिक की बात करें तो देखिए थोड़े बहुत बेचने से कुछ फर्क नहीं,
नहीं पड़ता, बट ओवरऑल अगर देखते हैं फिर भी अच्छा खासा यहाँ पर देखिए होल्डिंग है FIIs की, DIIs की होल्डिंग है, एज वेल एज पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास केवल और केवल 10% की भी हिस्सेदारी नहीं है, केवल 5% की हिस्सेदारी पब्लिक की है, बाकी सब के सब अच्छी हिस्सेदारी यहाँ पर लोगों ने ले रखी है, HNIs ने ले रखी है, DIIs ने ले रखी है, FIIs ने ले रखी है। DIIs में देखिए एक्सिस म्यूचुअल फंड ने 5% की हिस्सेदारी लेके ऑलरेडी रख रखी है, UTI ने यहाँ पर अच्छी खासी हिस्सेदारी लेके रख रखी है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये शेयर काफ़ी जिस दिन भागना शुरू किया ऑलरेडी एक महीने पहले इससे वीडियो बनाते आ रहा हूँ, 4100 के आसपास शेयर था, फिर भी बनाते आ रहा हूँ और यहाँ पर देखिए आज की डेट में 5000 रुपये पे ये शेयर चल रहा है और आगे चल के ये शेयर फिर मारेगा छक्का। और ये जो ये इसका हाईएस्ट था 5600, यहाँ तक तो इसे जाना ही है, देखिए 5800 के आसपास था इसे, तो यहाँ तो क्रॉस करना ही है, बट इसके टारगेट में आपको बताऊँ इस साल के अंत तक यहाँ पर 10000 रुपये मेरे को लगता है कि यहाँ पर क्रॉस कर देगी ये कंपनी, तो स्टे इन्वेस्टेड। डिप मिलता है तो डिप में बाई करिए, बिल्कुल मत भूलिए, बहुत अच्छी कंपनी है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हमेशा हेल्प लीजिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।